तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जेई मेंस के लिए, ये आप इसका वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। एक बार 2020 में थोड़ा सा परसेंटेज पीक करके 4 को क्रॉस कर गया था, बाकी 3% के आसपास होवर करता है। हमने दो हिस्सों में इसको तोड़ा, एक फ्लक्स एंड ईएमएफ और एक इंडक्टेंस। ठीक है, तो इंडक्टेंस वाला वर्जन थोड़ा सा बाकी 3 साल में देखे तो कम है, पहले साल थोड़ा सा ज्यादा था। और फ्लक्स ईएमएफ मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फैराडे लॉ, ये सब वाली जो चीज है वो पूरा वाला पोर्शन। सो विद दिस लेट्स प्रोसीड। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए, उसके डेफिनेशन दे रखी है और निकाल के दिखा रखा है। एंगल पे यदि एक लूप है तो उसके थ्रू जो फील्ड लाइंस जा रही होंगी उसकी काउंटिंग, या फिर बी डॉट ए करके अपन ने इंटीग्रेट करके निकाल लिया। फ्लक्स लिंकेज इफ द कॉइल मोर देन वन टर्न, यदि टर्न मान लीजिए एक से ज्यादा है तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी उसमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स एक रियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन होती है। तो इस तरीके से अपन ने सब चीजें यहां पे बता रखी, यूनिट्स एंड डायमेंशन करके फ्लक्स का डायमेंशन कैलकुलेट कर रखा है। मेंस के हिसाब से भी अपन डायमेंशन जितनी ज्यादा याद रखे फायदे में रहेंगे, याद रख सके तो। ठीक है, ऐसा यूनिट निकाल रखी है, जूल पर एम्पियर, और इसको वेबर भी बोलते हैं। और फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस थीटा 1 हो जाए, और 0 हो जाएगा जब 90 डिग्री हो जाए एंगल। ये आपके सामने फिगर। तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे 2-3, राइट, तो वो यहां पे अपने बता रखे अलग अलग तरीके से कि उन्होंने कैसे फ्लक्स के चेंज से डिटेक्ट किया कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है इस कॉइल में। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा दे रखी है। कंक्लूजन्स बता दी जो फैराडे ने किए थे कि भाई एसेंशियली यदि फ्लक्स वेरी करता है मैग्नेटिक तो इंड्यूस ईएमएफ आता है, और एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी विद टाइम वेरी हो जाए, वो अपन ने यहां पर कवर कर लिया। दूसरा है एरिया वेरी कर लीजिए, उससे भी आ जाएगा। तीसरा है एंगल वेरी कर लीजिए इन दोनों के बीच में, तब भी फ्लक्स वेरी हो जाएगा। भी बी डॉट ए या बी ए कॉस फाई, तो बी वेरी, ए वेरी, कॉस फाई वेरी, फाई वेरी, तीनों तरीके से आप फ्लक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है, इंड्यूस फील्ड ऐसी आती है कि इट अपोजिस द कॉस। ठीक है, और ये आपको लेंज लॉ के फॉलो करने का तरीका बता रखा है, कैसे एरिया पॉजिटिव डिफाइन करके फिर आप निकाल सकते। तो ये बहुत थ्योरी में जा रहे हैं हम, तो ये आप आराम से नोट्स पढ़ सकते हैं। यदि आपको ज्यादा नहीं भी पता है तो इसके थ्रू काफी कुछ चीजें आप सीख जाएंगे। फॉर्मूला लेकिन एक ही, d5/dt, राइट। अब इसमें से कहा रहा था इसको अपन प्लस माइनस का साइन कैसे निकालेंगे, तो वो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। एरिया चेंज करने का एक प्रोसीजर बता रखा है, इसको मोशनल ईएमएफ में भी आप कवर कर सकते हैं। बेसिकली यहां मोशन हो रहा है उस रॉड का, तो एरिया चेंज हो रहा है। फिर उसमें करंट फ्लो होगा तो फोर्स लगेगा, ये फोर्स की वैल्यू होगी, और फोर्स लगा रहे हैं तो वो इतनी पावर सप्लाई कर रहा होगा, और अमेजिंगली जितनी पावर सप्लाई कर रहा है उतना ही यहां पे हीट डिसिपेट भी हो रही है, उतनी एनर्जी भी जनरेट होगी। अल्टीमेटली मैग्नेटिक फोर्स वर्क करता नहीं है, तो आपने जो इसकी वेलोसिटी मेंटेन रखने के लिए जो फोर्स लगाया एग्जैक्टली उतनी पावर आप मैकेनिकल सप्लाई कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नाउ वी विल ट्राई सम क्वेश्चंस जो कि बेसिकली एक फॉर्मूले पे बेस्ड है जो ऊपर से अपन बार बार पढ़ रहे हैं कि इंड्यूस ईएमएफ इज d5/dt एंड फ्लक्स इज nba। ठीक है, सो प्रोसीड, फिर अपन आगे देखते हैं। तो आपने ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन, जरा समझ लेते हैं। मेटल क्यूब है जिसका एज length 2 centimeters moving in positive y direction, constant speed of this, this is uniform at 0.1 tesla in the positive direction, potential difference with the two faces of the cube perpendicular to the x axis s। ye essentially dekha jaye to ye motional emf ka sawal hai, to ye kya keh rahe hain ki bhai ek cube chal raha hai, to ye humne cube bana diya, ye is direction mein chal raha hai aur ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो अपोजिट डायरेक्शन में कितना आएगा फ्लक्स,
तो वो अपन ने बी वी एल करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग सिंपली इसको एक लूप मान के भी एरिया चेंजिंग करके लिख सकते हैं कि भाई इसका एरिया रहा होगा यदि ये लेंथ है एल, ऑलराइट, और ये इस तरफ से चल रहा है तो इसको अपन, वैसे तो ये लेंथ है लेकिन अपन ने इसको वाई लिख दिया तो फ्लक्स बन गया बी एल वाई, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, या फिर सीधे सीधे मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला यूज कर लिया, वी क्रॉस बी डॉट डी एल डॉट एल. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राय कर सकते हैं आप. तो ट्राय कर लिया होगा. तो सवाल क्या कह रहा है, कॉइल इज प्लेस्ड इन टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड, द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल वर टू बी हाफ एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डबल, द इलेक्ट्रिक पावर डिसिपेटेड टू द करंट रिड्यूस्ड इन द कॉइल वुड बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल वुड बी. तो अ कॉइल इज प्लेस्ड टाइम वेरी मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स को अपन ने आधा कर दिया और रेडियस ऑफ वायर को डबल कर दिया, तो इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन में क्या होगा. इसमें ध्यान ये दीजिएगा कि इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेशन के अंदर रेजिस्टेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना, वोल्टेज अलग कहानी है. तो यहां पे यही चीज कर रहे हैं, P is equal to square by R. तो E पे क्या फर्क पड़ा, ये फॉर्मूला लिखा अपन ने. तो देखिए पुराने वाले में नंबर ऑफ लूप्स n थे, अभी इसमें आधे हैं, राइट. एरिया जो कॉइल का वो डबल हो गया, तो डबल हो गया. यहां पे रेजिस्टेंस में लिखा अपन ने रो एल बाय ए, एरिया ऑफ कॉइल मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो डबल कर दिया, तो ये पावर निकल के आ गई. ठीक है, यहां देख लीजिए एक बार, कॉइल इज प्लेस्ड इन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल वर टू बी हाफ एंड देयर इज द वायर, जिस वायर का क्रॉस सेक्शन है उसको डबल किया है, उसका एरिया नहीं डबल किया है. मतलब ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो एक बार समझ ले बात को कि भाई तो ये जो वायर जिस मोटाई का था उसको अपन ने चेंज किया है इन द ईयर ऑफ द वायर डबल. ठीक है ना, चलिए. और टर्न यदि हाफ किए तो लेंथ भी आधी हो गई होगी, तो इसलिए यहां पर रेजिस्टेंस में ये रो एल बाय टू हो गया. चलिए, अब कभी कभी हमको इस तरह के सवाल भी मिल जाते हैं जहां पर रोटेशन हो रहा होता है, तो इसको भी हम वैसे तो डायरेक्टली डीफाबिलिटी से सॉल्व कर सकते हैं, पर यहां पे अपन चाहे तो फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि भाई इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बी वी डी एक्स करके हम लोग इंटीग्रेट करके बी ओमेगा एक्स डी एक्स एंड फाइनली एरिया इंट्रोड्यूस करके हम इस तरीके से ईएमएफ का फॉर्मूला लिख सकते हैं, बी एफ पाई एल स्क्वायर, जहां पे ओमेगा को हमने टू पाई एफ से रिप्लेस कर दिया. सो ट्राय दिस क्वेश्चन. तो प्लेनर लूप ऑफ वायर रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियली इट इज द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, सो इट रोटेट्स इन द पीरियड ऑफ 10 सेकंड अबाउट एन एक्सिस इन प्लेन, द नेचर ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी. अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो ये लूप है, ओके, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी एक्सिस क्या, फिर रोटेट्स विद अ पीरियड ऑफ 10 सेकंड अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन. अब ये जो एक्सिस है वो खुद इसके प्लेन में, तो इसका रोटेशन एक्चुअली ऐसा हो रहा है. तो यहां पे अपना फॉर्मूला जो है, जो अपन ने इस सिनेरियो के लगाया था कि ये घूम रहा है, वो फॉर्मूला यहां पर काम नहीं करेगा. यहां पर अपने को पुराना वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि बी ए कॉस फाई या थीटा, और थीटा खुद ये घूम जाएगा, ये वाला काम नहीं करेगा. तो यदि घूमेगा तो कॉस थीटा की जगह कॉस ओमेगा टी आ गया, ये अपन ने वैल्यू पुट करी और मैक्सिमम ई के लिए वैल्यू निकाल दी, ये आ गया आंसर, और टाइम बता दिया कब आएगा. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता था क्योंकि एक रोटेशन हो सकता है उस लूप का, उसी के प्लेन में हो रहा था, एक्सिस प्रॉपर्टी ड्रॉ थी, एक एक्सिस उस प्लेन में है और वो ऐसे घूम रहा है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन Right. तो यहां पे क्या है, एक कॉइल है 1000 टर्न्स की विद एरिया 1 मीटर स्क्वायर रोटेटेड अबाउट वर्टिकल डायमीटर एट द रेट ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड. अगेन यू कैन सी ये एक ही टाइप का क्वेश्चन फिर से यहां पे आ गया है. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर थीम है जो आप देख सकते हैं, 3 साल लगातार डेटा चेंज करके सवाल इन्होंने दिया है. All right,
तो यू गेट एन आइडिया कि मेंस बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी का केस नहीं है, एक ही लैंग्वेज, लैंग्वेज भी सेम है, डेटा चेंज करके दिया, ठीक है। तो वही आंसर है जो पिछला वाला था, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ सकती है। तो वो यहां पे अपन ने किया कि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लिया अपन ने, E डॉट dl को इसके बराबर करके सॉल्व किया, el कर दिया इसको dv बाय dt, तो हमारे पास में एक आंसर आ गया। और एक पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेशन करके भी दिखा देती है कि भाई v जो आ रहा है वेरिएशन, उसके से जो e आ रहा है वो कैसे लेंज लॉ को फॉलो करेगा और इस मैग्नीट्यूड के हिसाब से रिजल्ट आएगा। फिर हमारे पास जनरेटर टाइप के केसेस भी आ सकते हैं जहां पे एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, दिस इज हाउ जनरेटर वर्क्स। तो आपको इसको इसकी वर्किंग थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ये फॉर्मूला बी ए कॉस ओमेगा टी आप देख रहे हैं बार बार, तीन बार, तीन अलग अलग सालों में सवाल पे इस फॉर्मूले पे सवाल अपन ने देखे थे, ये वही पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। टॉर्क कितना चाहिए होगा, टॉर्क बेसिकली ये ओमेगा इंटू टॉर्क जो होगा वो यहां पे एम क्रॉस बी से निकाल रखा है, दिस म्यू इज मैग्नेटिक मूवमेंट, तो उससे टॉर्क निकल जाए कितना चाहिए और उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है कॉइल का ये बता रखा है अपन ने। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सर आपने ट्राई कर लिया, टू कॉइल्स पिन के सपोर्ट बाय सम डिस्टेंस व्हेन अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर फ्लोस थ्रू पी, अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 10 रेस्टोर माइनस 3 वेबर पासेस थ्रू क्यू, नो करंट इज पास थ्रू पी, व्हेन नो करंट पासेस थ्रू पी, करंट ऑफ 2 वेबर पासेस थ्रू क्यू, द फ्लक्स थ्रू पी इज। तो यहां पे अपन ने क्या बोला कि अपन इस कॉइल से एक्स दूरी पर फील्ड तो लिख ही सकते हैं कितनी होगी मैग्नेटिक, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया और रिवर्स कर दिया अपन ने कि इसमें करंट है तो इसमें कितना होगा और इसको डिवाइड कर दिया तो ये 5p की वैल्यू आ गई बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। मतलब एसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग इज दिस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। सो यहां पे दो कंसेंट्रिक कॉइल्स है C1 एंड C2 XY प्लेन में, एक में 500 टर्न है और एक सेंटीमीटर का रेडियस है, दूसरे में 200 टर्न है, 20 सेंटीमीटर रेडियस है, टाइम डिपेंडेंट करंट है एक के अंदर, तो EMF इंड्यूस पूछा है दूसरे में कितना होगा। अगेन ये उसी क्वेश्चन का रिपीट है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे रखा हुआ है, इसमें बता रखा है देखिए प्लेस इन द XY प्लेन, कंसेंट्रिक है, तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट एनआई बाय आर, और ये फॉर्मूला लगा के फ्लक्स लिख दिया एरिया से मल्टीप्लाई करके और डिफरेंशिएट कर दिया फ्लक्स को, तो अपने पास सीधे सीधे ईएमएफ की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। तो इसमें कॉइल है मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन, राइट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये है, तो यहां पे बता रहे कि भाई ऑप्शन चूज करना है बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। तो ये लेंज लॉ का एक बढ़िया एप्लीकेशन है, यदि इंड्यूस करंट ऐसा है राइट, तो ये बेसिकली अपोज कर रहा होगा चेंज को, तो ये दो तरह से अपोज कर रहा हो सकता है। देखिए ये इंड्यूस करंट खुद की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी प्रोड्यूस करेगा, ओके, तो इसका मतलब इस तरफ बी की जरूरत पड़ रही, इस तरफ बी की जरूरत तब पड़ेगी जब ऑलरेडी बाहर बी थी और कम हो रही हो, या अंदर थी और बढ़ रही हो, तो आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग विद टाइम, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट ट्राई करिए। तो यहां पे एक्सटर्नल की वजह से इतना फ्लक्स में वेरिएशन हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस कितनी होगी टिल द फ्लक्स बिकम जीरो। तो इसमें कुछ नहीं यहां करना, आपने सबसे पहले तो फ्लक्स के बेसिस पे टाइम निकालिए कब जीरो हो रहा है,
और फिर क्या किया, ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दिया, इससे डिफरेंशिएट किया डी बाई डी, फ्लक्स आ गया, 3 सेकंड के लिए वी स्क्वायर बाय आर डी टी से इंटीग्रेट किया, टोटल हीट आ गई। सो थोड़ा सा यहां पे कलाकारी करवाइए कि फ्लक्स देकर फिर निकलवा लिया। चलिए विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पोर्शन। So next portion is about inductance, okay? तो self inductance के बारे में बात कर रहे हैं। तो self inductance में क्या है कि हर loop का खुद का भी property होता है to maintain its flux. तो to maintain its flux, उसमें flux आ गया proportional to I करके, तो ये self inductance आ गया। L is coefficient of self inductance of the coil, ऐसा unit बता रखी है, जहां पे अपन basically क्या कह रहे हैं कि जो उसका inductance है okay, वो खुद के बी पे डिपेंडेंट है, खुद का फ्लक्स खुद के बी पे डिपेंडेंट है, और खुद का जो बी है वो अल्टीमेटली करंट पे डिपेंडेंट है, तो सेल्फ फ्लक्स जो है वो डिपेंडेंट हो गया इंडक्टेंस इनटू आई, मतलब फ्लक्स जो है खुद के करंट के प्रोपोर्शनल है, ऐसे करके बात कर। तो ऐसा यूनिट है एल की, तो खुद की वजह से भी खुद के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड करंट होगा उसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगी थी वो वेरी करेगी, तो वो भी अपने अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, सेल्फ ईएमएफ, उसका फॉर्मूला आ गया माइनस एल डी बाय डीटी। फिर ये कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं, एक सॉलिनॉइड ए एरिया का करंट फ्लोइंग थ्रू दिस इज दिस, ये लेंथ वगैरह हो गया, फ्लक्स के लिए सॉल्व कर लिया म्यू नॉट एन एनबीए करके, और ये अपन ने आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, मान लीजिए दो कॉइल अड़ोस पड़ोस में रखी, जैसे सवाल अपन ने पहले किए भी है, तो उन इसका फ्लक्स इसके करंट पे डिपेंडेंट है, और ये प्राइमरी और सेकेंडरी बोलते हैं, तो सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी के करंट पे डिपेंडेंट है, रिवर्स भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसकी कैलकुलेशन कर रखी है। इसमें क्या कहते हैं कि जो सेकेंडरी में करंट फ्लो करा के प्राइमरी में निकालोगे तो भी फ्लक्स का जो रेशियो आता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, उसकी वैल्यू सेम आती है, ये यहां पर थ्योरम आ जाती है। और ये किस पर डिपेंड करता है, परमेबिलिटी पे, खुद के सेल्फ इंडक्टेंस पे, ओरिएंटेशन पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, इन सब चीजों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, और एक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, तो ड्राइव करके दिखा रखा है, नहीं तो हाफ एल आई स्क्वायर आपको पता होना चाहिए डेरिवेशन कर रखिए कि भाई इतना करंट जा रहा है उसमें से तो इतना चार्ज फ्लो हुआ, इसके से इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, तो इंटीग्रेट करके निकाल दिया। पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी याद करनी हो, जैसे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हाफ म्यू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कहते हैं, तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है वो भी यहां पे लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, कि हाफ एल आई स्क्वायर होती है जो कि बी स्क्वायर बाय टू म्यू नॉट होती है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो इसमें क्या हो रहा है, द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ कॉइल इज 25 वोल्ट्स व्हेन द करंट इन इट्स चेंज्ड एंड इट इज चेंज्ड एट यूनिफॉर्म रेट फ्रॉम 10 टू 25 इन 1 सेकंड द चेंज इन द एनर्जी ऑफ इंडक्टेंस इज, ये इसमें पूछा गया, ट्राई कर लीजिए। तो फॉर्मूला ही पता होना चाहिए था, हाफ एल आई स्क्वायर का डिफरेंस करके निकाल लिया, तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद होना तो भी इन टफ चैप्टर्स में आंसर आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं, ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। ट्राई दिस वन। ओके, सो इन अ फ्लोरेसेंट लैम्प चोक अ स्मॉल ट्रांसफॉर्मर है, बेसिकली 100 वोल्ट ऑफ रिवर्स वोल्टेज प्रोड्यूस व्हेन अ चोक करंट चेंजेस फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी टू दिस ड्यूरेशन दिस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द चोक इज। अब देखो डरावनी बातें करके अपन को उससे कोई लेना देना नहीं है, अपन को काम है 100 वोल्ट इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, एल डी आई बाई डी टी, टाइम दे रखा है, डी आई दे रखा है, सॉल्व कर लीजिए, सीधे सीधे एल निकल जाएगा, कहानी खत्म। चलिए, ट्रांसफॉर्मर जो है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है, क्योंकि यहां पर जो फ्लक्स में चेंज होता है वो यहां पर ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है, और इसका यूज होता है एसी पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में। ये इसके बारे में इसकी वर्किंग समझा रखी है, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगी कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो करंट उल्टा हो जाएगा,
वो हाई से लो हो जाएगा क्योंकि VI मतलब पावर कांस्टेंट है। तो ये एक थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर, ठीक है। और एफिशिएंसी 100% मानते हैं, फ्लक्स लीकेज नहीं होती है, नो लोड कंडीशन में रिजल्ट निकालते हैं, पावर लॉस नहीं मानते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी देर से याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फॉर्मूला सिंपल सा है कि VSIS इज VPIP, नंबर एक फॉर्मूला। दूसरा आपको ये नंबर ऑफ टर्न्स का फॉर्मूला याद रखना है, VS/VP इज NS/NP, ये आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूले से फर्स्ट क्लास काम चल जाएगा। लेकिन थ्योरी और वर्किंग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स सर्विंग 4000 टर्न्स। तो आउटपुट वाज डिलीवर्ड एट 230 वोल्ट बाय ट्रांसफॉर्मर। इफ द करंट इन द प्राइमरी ट्रांसमिट 5 ओम, एफिशिएंसी इज दिस 5 एंपियर, आउटपुट करंट कितना होगा। अब इसमें एफिशिएंसी दे दी है कुछ, है ना। तो इसमें आप समझ लेना जो आउटपुट पावर है वो 0.9 ही रह जाएगी इनपुट पावर की, बाकी वोल्टेज इनटू करंट करके आपने यहां पे पुट कर दिया क्योंकि पावर बाकी तो सेम है। तो 45 एम्पीयर, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ज्यादा आए नहीं है वैसे ट्रांसफार्मर पे। एडी करंट क्या होते हैं, किसी मेटल डिस्क के अंदर भी तो जगह है ना करंट को घूमने की, तो वो एडी करंट बन जाते। वैसे तो हमको लूप बना के देते तार में तो ही करंट घूमते, जबकि इसके अंदर क्या हम क्या करें, क्योंकि मेटल का कोई भी पीस है तो उसमें भी तो पाथवेज तो आई सी ना करंट की घूमने के लिए, तो जो पाथवेज होते हैं उनको अपन एडी करंट्स कहते हैं, ठीक है। लीस्ट रेजिस्टेंस के पाथ पर चलते हैं करंट में, तो इरेगुलरली शेप्ड होते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इनके यूज क्या है, सारे यूजेस बता रखे हैं, राइट। फिर हमको RL सर्किट मिल जाए कभी, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस साथ साथ बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया, तो बिल्कुल जैसे RC सर्किट के फॉर्मूले होते हैं करीब करीब वैसे ही फॉर्मूले यहाँ पे आते हैं, ड्राइव करके दिखा रखे। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे स्टेडी स्टेट में कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करता है, वहां पे करंट फ्लो ना बंद हो जाता है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूले थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं। तो ये रिजल्ट्स है, ये आपको याद होने चाहिए, ये करंट का वेरिएशन का फॉर्मूला आना चाहिए जो मेरे ख्याल से यहाँ पर ड्राइव कर रखा होगा, ये ड्राइव कर रखा करंट का फॉर्मूला, जिसमें आप देख सकते हैं T=0 पे करंट जीरो है क्योंकि इमिडिएटली फ्लक्स चेंज नहीं हो सकता, है ना, और बाद में करंट वेरी कर रहा और जीरो प्लेन में जीरो हो जाता। फाइनली डिके में क्या होगा, डिग्गे में ये होगा कि पहले करंट था और अब मैंने इधर स्विच कर दिया, तो अब इसमें करंट कम होता चला। तो ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर दिया अपन ने, अगेन वैसे के वैसे ये ग्राफ आ गए ग्रोथ के डिग्गे के। तो ये सब आप चीजें थोड़ा सा थ्योरी में पढ़ सकते हैं कि भाई डिग्गे के ग्राफ कैसे आ रहे हैं करंट के, DI/DT के, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा पेन चला के, तो और अच्छा रहेगा। ये सवाल है बड़ा सिंपल सा, लेट्स स्टार्ट। तो आपने ट्राई कर लिया होगा। देयर आर टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स ऑफ सेम लेंथ L, द इनर एंड द आउटर कॉइल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, नंबर ऑफ टर्न्स पर नेट लेंथ इज N1 एंड रेस्पेक्ट द रेशियो ऑफ मिशन टर्न्स ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इनर कॉइल S। देखिए तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है इन कॉइल्स सोलेनोइड्स का अपन को फॉर्मूला पहले से पता है, ठीक है। तो इनर एंड आउटर कॉइल्स का रेडियस दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, सेल्फ इंडक्टेंस से क्या होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकाला, बेसिकली बड़े के अंदर छोटा वाला रख दिया तो उसके साथ फ्लक्स एसोसिएटेड लिख दिया अपन ने, और सेल्फ इंडक्टेंस अपन को वैसे ही पता ही था, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, एन ईएमएफ 20 वोल्ट सप्लाई इज इक्वल टू सर्किट कंटेनिंग इन अ सीरीज 10 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 5 ओम रेजिस्टर, तो रेशियो क्या होगा। अब देखिए यहां पे इंडक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है, T=40 पे रेशियो पूछा है, ठीक है। तो अपने पास करंट का फॉर्मूला था और इस फॉर्मूले के अंदर अपन ने वैल्यूज पुट करी, डिवाइड किया और ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टाइम टेकन फॉर मैग्नेटिक एनर्जी टू रीच 25% मैक्सिमम वैल्यू व्हेन अ सोलेनोइड ऑफ रेजिस्टेंस R कनेक्टेड टू बैटरी इज,
देखिए मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, हाफ एल आई स्क्वायर, मैक्सिमम से 25% पहुंचना है, कितना करंट चाहिए होगा ये निकाल लिया, ये फॉर्मूला मिल गया अपन को करंट के डिके का, पुट कर दिया, आंसर आ गया, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक इंडक्टर कॉइल है जो 64 जूल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी डिसिपेट्स एट द रेट ऑफ 640 वाट एंड अ करंट ऑफ 8 एम्पीयर इज पास थ्रू इट, दिस कॉइल इज जॉइंट अक्रॉस एन आइडियल बैटरी, फाइंड द टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ द सर्किट इन सेकेंड्स, ये इसमें पूछा गया। तो फील्ड एनर्जी इतनी है, डिसिपेशन की रेट 640 वॉट है, तो करंट ऑफ 8 एम्पीयर इज पास थ्रू इट, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां पे हाफ एल आई स्क्वायर पुट किया, 64 एल इज इक्वल टू 2 आई स्क्वायर आर 640, और ये अपन ने सॉल्व कर दिया रेजिस्टेंस के लिए, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पता ही है, एल बाय आर फॉर्मूला होता है, तो यहां पे निकाल दिया, ठीक है, ये कुछ मिसप्रिंट है। नेक्स्ट ट्रैक, तो इसमें क्या है, फॉर द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द बैटरी ऑफ 6 वोल्ट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस विल बी, स्विच क्लोज करते करंट कितना होगा गिवन, अब इसमें ध्यान से देखिए, ये एक इंडक्टिंग कॉइल लगी हुई है, तो इसके थ्रू करंट एकाएक चेंज हो सकता है, इस रास्ते तो करंट जा ही नहीं पाएगा, इस पूरे रास्ते में करंट नहीं जा सकता, तो बेसिकली 6 वोल्ट में ये 6 ओम का ही सीरीज बचेगा, क्योंकि यहां करंट नहीं गया तो इधर से भी नहीं आ सकता, तो बस यही बचेगा, तो 1 ओम आपका, 1 एम्पीयर आपका आंसर हो गया। ये 2022 का एक सवाल है, थोड़ा टेक्निकल था, तो यहां पे क्या कर रखा है इन्होंने, 2 कॉइल लगा रखी है, ओके, और फिर इनको आसपास में भी रखा हुआ है, तो इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो देखिए आंसर इसका 4 है, L1 प्लस L2 माइनस 2M, 2M माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो करंट का डायरेक्शन आएगा वो इसके फ्लक्स को उल्टा चलाएगा, और सेम चीज इधर भी हो रही होगी, तो यदि सीरीज में होते दूर होते तो L1 प्लस L2, परंतु माइनस एम इसकी वजह से, तो L1 माइनस एम इसका हो गया, और L2 माइनस एम और इसका हो गया, दोनों को जोड़ दिया, एंड दिस इज हाउ यू गेट दिस आंसर। सो आई थिंक दैट्स इट, यदि आपने इतनी प्रैक्टिस कर लिए है तो आप आराम से पेपर देने जा सकते हैं, 80-90% चांसेस है कि आपसे EMI के सवाल सॉल्व हो जाएंगे, और इसे 10% चांस में नहीं हुए तो इसका टफ आया होगा, किसी और का इजी आएगा, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग पेपर, हैव फेथ इन दिस, आप आराम से इसमें या तो 90% चांसेस से सॉल्व करने के लिए, तो किसी और में 90% चांसेस आपके रहेंगे, ऐसा नहीं होगा सबके जो 10% उसमें डिफिकल्ट वाले हैं वो आ जाएंगे, सो रेस्ट अश्योर आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।